हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको ड्राइंग सिखाऊंगी। अपन करेंगे पेंसिल कलर आर्ट। इसके लिए हमें पेंसिल कलर चाहिए। पेंसिल कलर के लिए देखिए, हमें सिर्फ इसमें ऐसे स्ट्रोक्स देना है। जहाँ जो कलर है वही आपको स्ट्रोक्स देना है। ये इंडेक्स पे कलर दिए हुए हैं आपको, सेम आपको करना है, ठीक है। तो हमने ये स्काई कलर किया है, ब्लू कलर। अब हम करेंगे सन। सन पूरा येलो रहेगा, इसकी रेज भी येलो आएंगी। और जहां जहां येलो कलर है, जैसे ये फ्लावर में येलो कलर है, ये सन हमारा येलो कलर का हो गया, ये फ्लावर हमारा येलो कलर का हो गया। अब हम इस तरह से क्लाउड्स में ये आउटलाइन देंगे और बाकी क्लाउड्स वाइट ही रहेगा। सिर्फ इसमें आउटलाइन डार्क करेंगे। दिख रहे हैं ये छोटे छोटे, ये पिंक कलर के हैं, तो इसमें हम पिंक कलर कर देंगे। सारे फ्लावर्स पिंक करेंगे। पिंक कलर की बटरफ्लाई फ्लावर्स थे वो हमने कंप्लीट करे। इसके बाद ये बाकी बटरफ्लाई येलो है और ऑरेंज में है। इसके सेंटर में येलो है, फिर ऑरेंज है, तो हल्का सा इस तरह से ये आप कंप्लीट करेंगे। और यहाँ जो ग्रीन है ये पूरा यहाँ सेंटर में ये सारा ग्रीन आएगा। अब मैंने आपको बता दिया है आपको कैसे करना है, बाकी फिनिश आप करेंगे। चलिए तो हम अब आते हैं दूसरे पेज पे, पेज नंबर 32। पेज नंबर 32 में है हट एंड सनसेट। इसके लिए हमें रिक्वायर्ड है ड्राइंग कॉपी, स्केल, पेंसिल, इरेजर और शॉर्पनर। इसमें हम सबसे पहले मार्जिन बना लेंगे। मार्जिन बना लिया है। अब हम पहले देखेंगे कि हमारी कितने शीट के कितने भाग में, हाफ भाग में लैंड है और हाफ भाग में स्काई है। तो हम इसको हाफ कर लेंगे शीट को पहले। बिल्कुल हल्की लाइन खींचेंगे। अब हम इस पे सबसे पहले हट बनाएंगे। ये ध्यान रखना आपको कि कितने पोर्शन में हट होगा और कितने में स्काई होगा। विंडो आएगी। डोर यहाँ ट्री दिखाना है, तो यहाँ से हम ट्री करेंगे। हो गया। अब यहाँ पर ये बनाना लीव्स दिख रही हैं,
तो देखिए बनाना लीव्स कैसे बनाई जाती है। ये पहले शेप दिया, उसमें ऐसे बस कट्स आपको लगाना है। लाइंस जो अपन ने खींचा था वो लाइंस हम रब कर देंगे जो हट के ऊपर आ रही हैं। उसके बाद यहाँ पर ये लेंथ दिखाएंगे और यहाँ थोड़ा सा वाटर रहेगा, फिर यहाँ पर ये हट के इधर फेंस लगी हुई है, इस साइड भी हमको लैंड दिखाना है और वाटर दिखाना है। ये ग्रास, यहाँ सन। तो चलिए अब इसमें फ्रूट्स हैं तो ये फ्रूट्स दिखाएंगे। बता रही हूँ इसके लिए हमें पेंसिल कलर करेंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ स्काई, थोड़ा सा स्काई दिखाएंगे, बाकी ये हमने स्काई किया है। अब इसमें वाटर जहाँ पर दिख रहा है वो भी हमारा ब्लू है, तो ये भी हम ब्लू कर रहे हैं। हो गया ब्लू, अब हम लेंगे येलो। तो सन को हम के आसपास पूरा येलो दिखाएंगे। ये ऑरेंज और रेड से हल्का सा इसमें शेड है। ये शेड हमको ऐसे दिखाना है, इसी में हम रेड कलर का भी हम जहां जहां ग्रीन है वहां ग्रीन करेंगे। जैसे कि यहाँ पर लीफ में पहले लाइट ग्रीन है और फिर इसी में डार्क ग्रीन का शेड है, तो इसी तरह से हम सारी लीव्स कर लेंगे। इसी तरह से हम सारी लीव्स कर लेंगे और ये ट्री में भी ऐसे ही करना है आपको। ये लाइट, ये शेडिंग दिखाना है। और फिर यहाँ इसमें डार्क दिखाना है। इस तरह से आपको डबल कलर यूज करना है इसमें शेडिंग पार्ट। में भी हम डबल शेड करेंगे, तो पहले हमने ऑरेंज कलर किया है और फिर हमने उसके ऊपर येलो कलर किया है, तो ये दो शेड में दिखेगा। देखिए तो ये डबल शेड में हम कर रहे हैं। इसी तरह से इसके नीचे जो हट में भी यही डबल शेड आएगा।
और फिर रेड और येलो का, या ऑरेंज भी ले सकते हैं आप। इसी तरह से आपको तीनों हार्ट्स करनी है। दो ये लैंड में थोड़े से ये प्लांट्स दिख रहे हैं, ये प्लांट्स भी करेंगे, और यहाँ डार्क लाइट का ये लैंड दिखाएंगे। इसी में लाइट शेड भी दे देंगे। इस तरह से हम ये पूरा कंप्लीट करेंगे। और मैंने अब आपको शेडिंग सिखा दिया है, अब बाकी ड्राइंग का जो पूरा कलर है वो आप फिल करेंगे। ट्री में ऐसे ही ब्राउन का शेड देंगे डार्क लाइट का। इसी तरह से आप इसको कंप्लीट करेंगे। अब हम आते हैं, और इसमें जो बॉक्स में जो आपकी बुक में दिया है इसमें भी आप खुद कलर फिल करेंगे और कॉपी में भी बनाएंगे। अब हम बना रहे हैं पेंसिल शेडिंग। इसमें मग है पेंसिल शेडिंग का, इसमें मैं आपको पेंसिल शेडिंग सिखा रही हूँ। तो इसमें हमें सिर्फ पेंसिल से हैचिंग करना है। ये देखिए, इस तरह से अपने हाथ को हम जितना प्रेस करेंगे उतना हमारा डार्क शेड आएगा। जहाँ हमें डार्क नहीं लाना है वहाँ हम आपको अपने हाथ को कम प्रेस करेंगे। तो इस तरह से हमने एक साइड का वन साइड का किया, फिर इसमें अपोजिट डायरेक्शन में करेंगे जहां हमें डार्क दिखाना है। पूरे में नहीं करेंगे, इसी तरह से पूरे कप में जिस डायरेक्शन में दिया है उसी डायरेक्शन में हम करेंगे। जहाँ डार्क है हम पेंसिल को उस जगह पे डार्क चलाएंगे। इसके लिए अगर आप नॉर्मल अप्सरा पेंसिल भी ले सकते हैं, और अगर आपके पास शेडिंग की पेंसिल है तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं। मैं नॉर्मल अप्सरा पेंसिल से ही कर रही हूँ शेडिंग। बस आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप अपनी पेंसिल को जितना जोर से प्रेस करेंगे उतनी डार्क आएगा, और जहां हम लाइट प्रेस करेंगे वहां लाइट आएगा। ये देखिए, जहां डार्क शेड है उसको हम पहले ही मार्किंग कर लेंगे और उसके बाद हम डार्क लाइट चलाएंगे। देखिए इस तरह से हम जहाँ जो है उस तरह से करेंगे और कॉर्नर कॉर्नर पे ये डार्क दिखाएंगे। पेंसिल को थोड़ा प्रेस करते हुए चलाएंगे। इसी तरह से ये जो डिप उसको भी करेंगे। ये हमारा ड्राइंग कंप्लीट हो गया है। अब इसी तरह से ये शैडो का जो आपको ऑब्जेक्ट दिए गए हैं उसमें आप खुद करेंगे, ये आपका होमवर्क होगा। नेक्स्ट आता हैप्पी चिल्ड्रन। ये हैप्पी चिल्ड्रन में आपको सिर्फ कलरिंग करना है, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग आप कलर करेंगे। और ये अब मैं हैचिंग बता रही हूँ। इसमें टेक्चर्स हैं, ये यहाँ आपको पीछे जो ट्री दिया हुआ है इसमें आपको टेक्चर्स बनाने हैं। टेक्चर्स बनाने के लिए हम स्केच पेन से जैसा टेक्चर इसमें दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम टेक्चर बनाएंगे। तो ये आप लोग खुद करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। ओके बाय।